एक बार देख लीजिए यार, यानी कि रिजल्ट इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रुप टू का लगाया है, मान लिया चलो। अप्रोक्सीमेट पेंडिंग कितने लोग हैं? 1 लाख लोग तो यही पेंडिंग है अंदाजा, 1-2 हजार कम ज्यादा। इसको भी मान लो, यहां पे मान लो 75,000 अंदाजा ना अप्रोक्स, और यहां से मान लो 50,000 अप्रोक्स। यानी कि अगर मैं ग्रुप वन में देखूं तो ग्रुप वन सिर्फ देने वाले मात्र इतने लोग, बिकॉज ये इधर ऐड हो जाएगा, जो दोनों में फेल हो तो ग्रुप वन में तो फेल होंगे। बेस्ट है, कितना मस्त समझता है आपको। यानी ये देने वाले 1.5 लाख लोग हैं, ये तो इधर भी जाएगा, यानी 1/25 तो ये लोग देंगे। और आप जैसे लोग जो न्यू आएंगे, वो न्यू कितने आएंगे? लगभग 50,000 से 60,000 मान लो, डायरेक्ट एंट्री वगैरह मान के सब मिला के ये 2 लाख लोग देंगे, और ये 1.75 लाख। ये कौन से आइटम में? मतलब आपकी कंपटीशन ग्रुप वन में होंगी 2 लाख लोगों के साथ में, और ग्रुप टू में होंगी 5-2 लोग। अब आईसीआई ने जिस प्रकार इस साल बच्चे पास किए 20,000, अगले साल भी लगभग इतने बच्चे लेके चल रहे होंगे, क्योंकि आईसीआई को लगभग 25,000 बच्चे मार्केट में चाहिए थे, तो 20,000 ग्रुप वन ग्रुप टू के निकाल दिया, 5,000 लगा दिए। मतलब ग्रुप वन ग्रुप टू इन एवरेज मान लो 20,000 और ये 5,000, यानी 25,000 बच्चे पास हुए इस बार। समझ आ रहा है? तो अगर मैं इनमें से अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, अगर May 24 में इसमें से 25K और इसमें से 25K पास हो गए, तो कितना परसेंटेज रिजल्ट लगेगा? एक्सपेक्टेड परसेंटेज बताओ कितना होगा? 2 लाख में से 25,000, 25,000 पॉइंट 2 लाख, 12.5, ये 14 पॉइंट, इस टाइप का लगभग रिजल्ट आपका आएगा अगली बार। यानी कि दोस्तों, इस बार का जो एक्सपेक्ट, यहां का जो परसेंटेज था इट वाज 17, ये इतना, इस बार इतना इतना आएगा। यानी कि आपका परसेंटेज जो है यहां पे देखेंगे तो 5%, वो अगर मैं क्लब कर दिया उसको, 5-5% के आसपास आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट पिछली बारी से कम आएगा, बिकॉज संख्या ज्यादा है और निकालना होंगे कम होंगे आप पर। यहां पे अगर स्टेटस देखेंगे, अब जो मेरा एनालिसिस देखिएगा, एक है एग्जिस्टिंग छात्र और एक न्यू है आपके जैसे, ये जो है लगभग संख्या इनकी 2-2.5 लाख है, तो मैं 2 लाख लिख देता हूं अप्रोक्सीमेट, और न्यू वालों की संख्या 50,000। सोचने की बात है कि किसकी पढ़ाई अब तक ज्यादा हुई होंगी? बेस्ट है इनकी, क्यों? ये पढ़ाई क्लासेस करके रिवाइज करके अटेम्प्ट देके बैठे हैं, अच्छा है। और ये जो है इनका कोई ठिकाना भी नहीं अब तक, ये तो ग्रुप वन दिए तब से ग्रुप वन को छुए नहीं, और ग्रुप टू में भी उनको बहुत कुछ लोग आशिक है, कुछ दीवाने हो चुके हैं, कुछ परवाने भी हो गए, और वो होश ही नहीं कि किसको एग्जामिनेशन है। आज शायद से कुछ लोगों को दर्द हुआ होगा भाई एग्जामिनेशन भी आ रही है, तो इन लोग को और इन लोग को, इनके पास एग्जामिनेशन में 8 से 4 महीने है, ये कल से इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजिशन स्ट्रांग है, एग्जिस्टिंग, और इनके पास में महीने लेफ्ट कितना है? लेफ्ट टाइम एग्जिस्टिंग, सुनो जरा, लेफ्ट टाइम इनके पास 4 महीने है। न्यू वालों के पास, जिनसे आप कंपीट करने जा रहे हो, आप रेस में पहले से पीछे हो, क्योंकि आपकी बैच खत्म होगी लगभग, आप मान लो जब 3 महीने बचेंगे, तो आप 1 महीना पहले से पीछे हो, वो तो कल से पढ़ाई चालू कर देंगे। और ये जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है ना उनकी, ये उनकी स्ट्रांग है, बिकॉज उन्होंने टेस्ट भी दे दिए, रिवाइज भी कर लिए और पढ़ाई भी ले। यहां पे आप वीक पोजीशन पे हो, समझ रहे हो? यानी कि आप जिनसे कॉम्पीट करने जा रहे हो, अब उनमें से बताओ, आप ऑलरेडी आप पहले से पीछे हो, यानी कि अगर आपको जिनसे फाइट करना है उनको हराकर अगर आपको पहले 20,000-25,000 में आना है, तो आपकी पोजीशन इनसे बेटर होना चाहिए। पर बेसिक हालात जो है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है जिनका रेस कर रहे हो, वो आपसे बहुत आगे है। अब आईसीआई को 20,000 बच्चे निकालना है, तो इनके पास होने की प्रोबेबिलिटी आपसे ज्यादा है आज की तारीख में, बिकॉज आपके पास तो बहुत सारा कुछ, कई लोगों को बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत लोग तो हमेशा क्लास अटेंड नहीं करते हैं, कई लोग बहुत अलग अलग सोचता है, चूल भी बहुत है, तो ये सब की वजह से यू आर लैगिंग बिहाइंड।
ये स्टैटिस्टिक्स है। यहां पे अगर जो लोग समझदार है, अगर उन्होंने ये सोच लिया ना कि अब मैं इनके 4 महीने को मेरे 3 महीने इक्वल टू करना चाहता हूं, सर कैसे 4 महीने हमारे 3 महीने से इक्वल टू होंगे? वो उसको वो करना पड़ेगा जब वो क्लास को भी सीरियसली करेगा। ये क्लास को जो लोग सीरियसली अटेंड कर लेंगे और क्लास का सब्जेक्ट क्लास में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है आपके 3 महीने और क्लास का टाइम विल बी हिज इक्वल टू 4 मंथ्स। समझ आ रहा है? आपकी एक स्ट्रेंथ है, पर उनका एक प्रॉब्लम है, उनको SM वापस से करना है क्योंकि SM पूरा चेंज हो गया। उनको अकाउंट्स में भी उनके चक्कर बहुत बढ़ गए, तो आपकी जो यहां पे जो एग्जिस्टिंग जो है ना, ये उनका जो प्लस पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे मैं प्लस प्लस लिख रहा हूं, ये प्लस है इनका अकाउंट्स, इनका SM, किनका? तुम्हारा, क्योंकि तुमने वही पढ़ा जो तुम्हारा है। इनके पास में आपने अकाउंट्स कौन सा सब्जेक्ट चेंज हुआ? लॉ में भी आपने, इनको लॉ में 3 एक्ट नहीं पढ़ना है जो आपने पढ़ लिए हैं। GST में भी कुछ हाँ जी है। तो अकाउंट्स SM तो आपका पूरा रिवाइज हो गया, लॉ में 3 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए जो उन्होंने पढ़े नहीं, GST के 3 चैप्टर्स जो आपने पढ़े उन्होंने पढ़े नहीं, और ये पूरा सब्जेक्ट पूरा रिशफल हो गया है, ये पूरा रिवैम्प हो गया, रिवैम्प। ओके, यानी कि आपके जो प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं उनके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, यहां पे आप उनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हो। तो यानी कि दोस्तों जिनसे आप कंपीट करने जा रहे हो, वो उनके पास उनको अकाउंट भी पूरा नए से करना है, SM पूरा सब्जेक्ट बाय करके वापस से पूरा पढ़ना है। क्यों? बिकॉज पहले का और अभी का पूरा चेंज हो गया, मतलब ही के नॉट हैव द ओल्ड बुक्स, पॉसिबल ही नहीं है। पहले 8 चैप्टर्स थे, अब 5 हो गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट SM के डिलीट हो गए, बहुत सारे ऐड हुए, और जो कॉन्सेप्ट है भी उसके अंदर का कंटेंट चेंज हो गया। तो उसको तो जो आपका पढ़ के रिवाइज करके हो गया ना, उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई। तो हमारे पास में अगर इनसे जीतना है तो ये 3 महीने भी है, हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ लेंगे और हमारी ये स्ट्रेंथ है। सो दोस्तों हो सकता है कि हम भी इनके बराबरी में आ जाए। आर यू गेटिंग मी? तो अगर दोस्तों पास होना है ना, तो अब से मुझे ऐसा लगता है कि सच में आप इनसे ओवरटेक करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू रियली फील सुपीरियर देन वॉट दे हैव डन, तो आपको क्लास के इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा आज से। अगर आज तक आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा, या हर रोज आप सोचते हो मैं कल से बहुत पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और वो दिन आज तक नहीं आया, तो वो दिन आ गया है। मुझे लगता है बहुत ही मूर्ख और नालायक ही इंसान होगा जो कल से सीरियस नहीं होगा, क्योंकि मतलब आज से ही 9 जनवरी का वक्त चल रहा है, 10 जनवरी से, मतलब यू शुड नॉट लुक बिहाइंड, 10 जनवरी से 10 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने ठोक देना। और जितने भी क्लास चल रही है दोस्तों, क्लास के साथ ही जस्ट मेक श्योर कि क्लास में आप रिवाइज कर रहे हो अच्छे से, और जैसी क्लास खत्म हो रही है और घर जाके भी रिवाइज कर लो, जितना ऑडिट बचा हुआ है, जितना SM, जितना FM और जितना GST बचा है, उनको इतने अच्छे से कर लो कि ग्रुप 2 का जब आप 8 फरवरी के आसपास बैठोगे तो आपको लगना चाहिए कि मेरा FMSM हो गया, फील होना चाहिए ऑडिट आपका हो गया, GST आपका हो गया। इतना आपको 20 दिन में एक्सेस पढ़ना है, क्लास हुई कि आपको अपने आप से बस 3-4 घंटे मात्र सोना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। 8 फरवरी में अगर आपकी पोजीशन पक्की हो गई, कभी आपने क्रिकेट मैच देखा है, पहले 10 ओवर में अगर अच्छे रन बन गए ना तो आखिरी 40 ओवर का टेंशन नहीं आता, पर पहले से बहुत स्लो खेल लिया ना, वो 250-300 से ऊपर बनते नहीं, जो लोग क्रिकेट समझ, पर पहले से 10 ओवर में अच्छे से रन बन गए 80-90-100, अगर आपकी 8 फरवरी के पहले अच्छी पोजीशन बन गई ना, इट विल बी वेरी इजी टू क्रैक इन रिमेनिंग 3 मंथ्स। पर कुछ लोग बहुत स्लो जगेंगे, इतना सुन के भी बहुत लोगों पर असर नहीं होगा, आराम से करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड दे विल वेक अप आफ्टर यू नो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, उसके बाद में बहुत कांड हो जाएगा, तब तक तो बहुत बाकी लोग आपसे पूरा इंडिया बहुत आगे चल जाए, फिर उससे समय पर पास होना आपके लिए बहुत, इसलिए यहां से आगे होना हर एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ नहीं पढ़ोगे, आपके बाजोला हर रोज पढ़ रहा है, वो डे नाइट पढ़ रहा है, ये 2 लाख रोज, 2 लाख लोग जो है रोज सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं या रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं,